हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं अनिकेत आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज जो है सीधी बात एसबीआई बैंकर के साथ इस सेशन में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। तो वो एक सिकंदर हमारे साथ है, तो आज वो जानेंगे उस सिकंदर ने जो है क्या किया अपने इस जर्नी में, जो कि जो फेल्योर से लेके सक्सेस तक की उसकी जर्नी रही, उस जर्नी में इन्होंने क्या किया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या एक तरीका फॉलो किया, किस तरीके से पढ़ाई किया इन्होंने, सीधा इनसे जानेंगे। और बच्चों कहीं ना कहीं ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहते हैं ना कि मतलब एक फेल्योर तो सबके लाइफ में आता है, सभी लोग फेल होते हैं, लेकिन जो है उस फेल्योर से क्या लर्निंग हमें लेनी चाहिए, क्या लर्निंग जो है लेते हैं हम। तो उस फेल्योर से लर्निंग इन्होंने लिया या फिर जितने भी और सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं लेते, तो वही एक गैप रहता है कि हम वो लर्निंग नहीं ले पाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है उस लर्निंग को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम निधि के साथ हैं। निधि ने जो है एसबीआई क्लर्क 2018 में जो है क्लियर किया है और आज जो है हमारे साथ ये जुड़ी है bankercenter.com के साथ। तो निधि, मैं आपका जो है सेशन में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं निधि, जो है आपने काफी मेहनत की जो है एसबीआई क्लर्क को क्रैक करने में, तो किस तरीके का आपका रहा। मैं सबसे पहले पुराने दिन पे ही जानना चाहता हूँ, जो है आपने सक्सेस तो पहले बाद में गेन किया, लेकिन आपने पहले फेल्योर को देखा। तो मैं पुराने दिन, जो आपके बीते वाले दिन थे, जो स्टार्टिंग के दिन थे, मैं उस दिन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ, क्या रहा आपका। ओवर टू यू निधि। हेलो एवरीवन सर, प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट करी थी। बिल्कुल, स्टार्टिंग के जो डेज थे ऑब्वियसली किसी भी प्रिपरेशन के बहुत अच्छे नहीं रहते, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था एसबीआई पीओ 2017, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था बट मैं मेंस में नहीं कर पाई थी। okay. उसके बाद मैंने काफ़ी और एग्जाम्स दिए बट कई बार ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। okay. तो बुरा लगता था कि पहले क्लियर हो गया अब नहीं हो पा रहा है, क्या स्ट्रेटजी गलत जा रही है, क्या सही जा रहा है। फिर कई बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा था। okay. तो बहुत उदासी हो जाती थी कि मतलब कहाँ लैग कर रहे हैं, समझ में नहीं आता था। और जब देखते थे कि साथ वाले भी क्रैक कर पा रहे हैं पर हमसे नहीं हो पा रहे, तो ये चीज़ बहुत डाउन करती थी। बिल्कुल। पर इस जर्नी कहीं में कहीं वो मोरल हमारा डाउन होता है। पर सर ये है कि मैंने हमेशा अपने आप को ऐसे फ्रेंड से सराउंडेड रखा था जो खुद प्रिपरेशन कर रहे थे। okay. तो हमेशा एक रहता था मोटिवेशन बना रहे, मतलब एक मोटिवेशन आपके अंदर वो जगह हुआ रहता था। हाँ, क्योंकि एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि अब नहीं हुआ तो अगला होगा, अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, ट्राई करना हमारे हाथ में। okay. हमारे बस में है कि हम कोशिश करते रहे, एक ना एक दिन हार्डवर्क जरूर पे करता है। तो बच्चों जैसा कि आपने निधि से सुना कि इन्होंने भी फेलियर देखा 2000, निधि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 2017 में जैसे आपने बताया तैयारी स्टार्ट की आपने, तो 2018 के एसबीआई क्लर्क को आपने क्रैक किया, तो मैं 2017 पे और 2018 पे मैं जानना चाहूंगा कि कितने सारे ऐसे एग्जाम रहे जहां पे आप माइनर मार्क्स से या फिर माइनर किसी प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में जो है आप मतलब कैसे कैसे कौन कौन से एग्जाम थे जहां पे आप मतलब रुक गए, मतलब आपका सिलेक्शन फिर फाइनल नहीं हो पाया। पहले 2017 में आईबीपीएस क्लरिकल में प्रीलिम्स हो गया था बट मेंस नहीं हो पाया था। आफ्टर दैट मैंने आईबीपीएस स्टेट एसबीआई पीओ दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट मेंस बहुत ही माइन्यूट मार्क्स से रह गया था। तो 2017 तक तो मैं अपने बेसिक्स क्वेश्चन करती थी कि क्या कहते हैं, मतलब बेसिक्स सारे टॉपिक के प्रिपेयर कर लिए, फिर कुछ एक्स वाई जेड टेस्ट सीरीज खरीदी, उसके मॉक्स लगाती थी, क्योंकि मॉक्स किसी भी प्रिपरेशन के लिए, जो कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बट तब भी कभी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आता था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती थी, डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते थे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, एक पूरा प्रॉपर अगर सोल्यूशन है तो समझ नहीं आता था कि कैसे एक स्टेप से दूसरे में चले गए। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था उस चीज़ को समझने में। okay. फिर उसके बाद आपका 2018 में मुझे किसी ने बैंकर्स अड्डा के प्राइम के बारे में बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई थैंक द होल टीम ऑफ बैंकर्स अड्डा, क्योंकि ये प्राइम ऑफर की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी मेरे प्रिपरेशन में। प्राइम से क्या था, एक तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हर से जितने सारे बच्चे जो है बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं या गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, मेनली जो है सभी जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग हर एग्जाम, जैसे हम इंश्योरेंस भी भर देते हैं, बैंकिंग भी भर देते हैं। okay. बैंकिंग में भी आरआरबी अलग है, आईबीपीएस अलग है, एसबीआई अलग है, उसके अलावा पीजीडीबीएफ के भी आते रहते हैं। okay. तो उन सबको भर मतलब उन सबकी टेस्ट सीरीज खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार हम सोचते हैं इसको रहने देते हैं, दूसरा देख लेंगे। तो इसमें प्राइम ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मुझे पूरी टेस्ट सीरीज मिल गई थी। okay. पूरा साल मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई कि मुझे टेस्ट सीरीज भी खरीदनी है। अच्छा।
अच्छा। खरीद भी थी, वैलिडिटी थी, बस मेरा काम था फॉर्म भरे, एग्जाम्स के टेस्ट लगाए, टेस्ट मेरे पास आते जाते थे okay. और बस वो मॉक प्रैक्टिस करना, उनको एनालाइज करना, अपनी गलतियों से सीखना, उसी ने मेरे को आज इस यहाँ तक पहुँचाया। तो जैसे निधि आपने बताया कि जो है आपने प्राइम पेस्ट्रीज लिया और कहीं ना कहीं उसे एनालाइज किया कि हाँ जो भी जैसे आपने एनालाइज जो भी करती थी आप, तो कहीं ना कहीं आपको क्या डिफरेंस नजर आया, वीडियो सॉल्यूशन दिखा आपको या फिर क्या सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस चीजें दिखी? डिफरेंस बेसिकली यही था कि एक तो पूरा डिटेल रहता था उसमें सॉल्यूशन, अगर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस स्टेप के बाद ये नेक्स्ट कैसे आ गया, कुछ छूट रहा है, तो मैं वीडियो सॉल्यूशन खोल लेती थी उसका okay. उसमें वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते थे और पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता था okay. तो ये बहुत बहुत बड़ा फायदा था। तो बच्चों जैसे आपने निधि से डायरेक्ट सुना कि जो है उन्होंने 2017-2018 में ये फेल होते गई, कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक इनसे नहीं हो पाया, माइन्यूट सा कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर एक फायर जगा के रखा, इन्होंने एक मेहनत ये करते गई एंड एक एनर्जी अपने अंदर एक बना के रखा और फाइनली 2018 में एक SBI बैंकर बनने का इनको मौका मिला। तो उसी जर्नी के दौरान इन्होंने ये प्राइम टेस्ट सीरीज का एक हिस्सा बनी और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन के निकली, इनको जो है डिटेल सॉल्यूशन मिला और साथ में वीडियो सॉल्यूशन मिला, इनको कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस नजर आया और उन्होंने कहीं ना कहीं इनको प्राइम जो है काफी हेल्प किया। तो निधि मैं आगे इस सेशन को बढ़ाता हूँ और आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है जैसे कि मैं बात करूँ रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, GA का पार्ट है या इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इन सब में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर इन चारों सब्जेक्ट्स में मेरा फेवरेट सर रीजनिंग था। अच्छा। क्योंकि अच्छा लगता था अलग अलग टाइप की पजल्स सॉल्व करना okay. उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते थे, कुछ ऐसा नहीं है कि रट के रखना है या अच्छा। मतलब एक ही पैटर्न चलेगा, आप किसी भी तरीके मतलब से कुछ ना कुछ नया देखने को नया करने को आपको मिलता था, चैलेंजिंग लगता था रीजनिंग, तो इसलिए रीजनिंग अच्छा लगता था। ठीक है, तो निधि मैं आपसे एक और अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि मतलब काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन रात मेहनत करते, कोई 5 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, तो आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, SBI बैंकर हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर घंटे तो ऐसे स्पेसिफिकली बताना पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग है, किसी का सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज अलग है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इतने घंटे ही पढ़ोगे तो ही क्रैक कर पाओगे। अच्छा। किसी कई लोग जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, कईयों को टाइम लगता है okay. तो ये हमें अपने आप एनालाइज करना होगा किस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितने टाइम भी पढ़ो एक क्वालिटी टाइप क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्टडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बस बैठे हुए हैं कुछ भी कर रहे हैं, हमारा एक गोल फिक्स होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए कि हम इसी डायरेक्शन में चले और हम एक एनर्जी के साथ चले। हाँ, और सर उसके लिए मॉक्स लगाने से ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हो पाती है। ओके okay. तो कहीं ना कहीं जो है आपने बताया कि आपके आवर्स ऑफ स्टडीज ये रहे, हाँ। आपने जो है ये कहा कि हाँ एक क्वालिटी ऑफ टाइम जो है एक होना चाहिए, तो सक्सेस स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ सर, सक्सेस स्टोरीज से एक मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है okay. मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी बैंकर्स अड्डा से, तो मैं देखती थी कि कई बच्चे अपनी सक्सेस स्टोरीज पब्लिश करते थे, आप इंटरव्यूज okay. भी उनके डालते थे, तो एक मोटिवेशन आता था कि क्या हम भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा। मतलब क्या लोग हमारी भी स्टोरी जान सकते हैं okay. तो वो एक मोटिवेशन बना रहता था कि नहीं मैं भी करूँगी, मैं भी वहाँ तक जाऊँगी, मतलब एंड आई एम हैप्पी इनफ कि आज मैंने वो अचीव करा है, मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू कर पा रही हूँ। चलिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपने SBI को जो है एग्जाम क्लियर किया है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है, सक्सेस स्टोरी से एक दूसरे के दूसरे लोगों के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके तरीके को जानने से एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इन्होंने भी फेल्योर को देखा और आप भी कहीं ना कहीं फेल्योर को देख रहे होंगे, और लास्ट में ये भी सक्सेस हुई, आप भी सक्सेस होंगे, बस आपको करना क्या है, जो ये मतलब जो ये क्या जितने सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो एक एनर्जी अपने अंदर रख रहे हैं, जो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रख रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को आपको भी बना के रखना है। तो निधि जो है इस तरीके से आप सभी जो है निधि का जो है ये सक्सेस स्टोरी जो है ये जो उन्होंने स्ट्रगल से लेके सक्सेस तक का जो उनका सफर रहा है ये आप जो है जान रहे हैं सीधी। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितने से ज्यादा हो सके इसको लाइक करो और शेयर करो, और जो है साथ साथ इससे जितना सीख सकते हो आप उतना सीखने की कोशिश करो।
तो मैं कहना कि आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा इस सेशन के बीच में। जैसे निधि ने भी बताया उनको प्राइम ट्रेसरी से काफी हेल्प मिला, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वही प्राइम ट्रेसरी जो है दोबारा हम लेके आए हुए हैं और आज और कल भर इसका लास्ट डेट है इस ऑफर का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बैंक प्राइम जो है 9 मंथ्स का है, बैंक प्राइम एक 15 मंथ्स का है, जिसमें आपको टोटल 850 प्लस टेस्ट मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, टोटल 850 प्लस टेस्ट मिलेंगे, साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस सेट्स भी वगैरह मिलेंगे। इसमें जो है जितने सारे एग्जाम है, SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, IPS PO क्लर्क, RBI के एग्जाम होने वाले हैं, सारे एग्जाम जो है इसमें कवर होंगे आपके। और साथ ही साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ मिलने वाला है। तो जो है इसमें आप काफी फायदेमंद चीज है आपके लिए, आज और कल के लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप भी इस प्राइम ट्रेसरीज का हिस्सा बने और आप भी जो है एक दिन सिकंदर बने। तो निधि, जैसे आपने बताया सभी चीजों के बारे में कि सक्सेस कैसे मिला और किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, तो मैं एक लास्ट वर्ड जो एक हमारे बच्चों को, हमारे एस्पिरेंट्स जो हमारे देख रहे हैं हमें, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो भी इस तरीके से अपने अंदर एक एनर्जी बना के रखे और सक्सेस को जो है अचीव करे। सर मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि फेलियर इज द ओनली की टू सक्सेस। अगर आपने फेलियर नहीं देखा तो आप सक्सेस को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फेलियर्स आएंगे, हर किसी की लाइफ में आते हैं, आप उससे आप क्या सीखते हैं और आप उससे अपने आप को कैसे ढालते हैं, नेगेटिवली नीचे ले जाते हैं या और बेटर करने की ठान लेते हैं, ये आपके ऊपर है। तो फेलियर इज द ओनली की टू सक्सेस। तो बच्चों जैसे कि निधि ने बताया, फेलियर इज द ओनली की टू सक्सेस, मतलब आप फेलियर तो हो कोई बात नहीं, उससे जो लर्निंग आपको मिली है उस लर्निंग को लेके आपको सक्सेस के ऊपर पहुंचना है। सपने देखो बच्चे, सपने देखना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो एक एनर्जी, जो एक अंदर जो एक फायर जो होता है, उस फायर को बरकरार रखो और अपने सपने को पूरा करो। तो इस सेशन में सीधी बात थी SBI बैंकर के साथ, तो इसी तरह के सेशन मैं आपके साथ और भी लेके आने वाला हूँ, और भी लेते आऊंगा। तो आप भी जो इस तरीके से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ इस प्राइम टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी बने और अपने जैसे आज ये सिकंदर बनी है, आप भी एक दिन सिकंदर बनने का हिस्सा बने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। निधि आपको बहुत बहुत धन्यवाद।